इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? टेक अ गैस। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी और आज आपसे मेरा एक सवाल है, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? आप मुझे दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आपके नज़रिए में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है। लेकिन पहले ये बताएं, आप किसे मानते हैं दुश्मन? व्यक्ति जब किसी और की तरफ शिकायत कर रहा होता है कि तेरी वजह से ऐसा हुआ, तूने ऐसा करा, तो एक उसकी फिंगर दूसरों को पॉइंट कर रही होती है, बाकी के खुद की तरफ। जिस दिन व्यक्ति का नज़रिया ये आ जाता है कि मेरे जीवन में ऐसा हुआ उसकी वजह से, मेरे जीवन में ये हुआ उसकी वजह से, काश ऐसा ना होता, उस दिन व्यक्ति यही कह रहा है कि तेरी नहीं मेरी गलती है, क्योंकि चार उसकी फिंगर्स उसके खुद की तरफ उसको पॉइंट करके कह रही हैं, भाई जाग जा। हालात को ब्लेम करना बहुत आसान है, व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, ऑफिस में ऐसे कॉलीग्स मिलते हैं जो हर बार उसको सपोर्ट नहीं करते, जीवन में ऐसे लोग मिले जो उसकी सपोर्ट नहीं करते हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है उसका नज़रिया। यही नज़रिया उसने ठीक रखा तो जीवन में जो प्रॉब्लम आए कहता भाई देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, और यहीं पे अगर उसका नज़रिया और उसका नज़रिया है कैसे होगा या हो जाएगा, तो ये सोच से बनता है और उसकी सोच को सिद्ध करने का वरदान सिर्फ एक को मिला है और जो नोटोरियसली काफ़ी बदनाम है, राहु। ये वो ग्रह है जो सिर्फ ध्यान से व्यक्ति साध सकता है। आपकी लाइफ की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, 10 मिनट अपने लिए ढूंढिए और ध्यान में बैठिए, और जब व्यक्ति ध्यान में बैठता है तो उसके चक्रास अलाइंड होते हैं, उसका अंतर्मन स्थित रहता है, तो उसको ये समझ में आता है भाई प्रॉब्लम क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। गलती अक्सर इंसान कहता है मेरी नहीं है, लेकिन मैं सामने वाले को नहीं बदल सकता, वो सुनता नहीं है, वो मानता नहीं, उसे दिखता नहीं है। बिल्कुल, इंसान खुद को नहीं बदल पाता तो सामने वाले को कैसे बदले। जो अपने हाथ में है व्यक्ति को करना चाहिए। इसके अलावा अगर लाइफ में प्रॉब्लम है, हेल्थ की है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, रिलेशनशिप की है, ग्रोथ की है, करियर की है, या अपने ही नहीं समझते, हर एरिया में बेस्ट है स्टार्ट जर्नलिंग। सो अगर आपकी लाइफ में इन सबसे जुड़ी हुई परेशानियां हैं, जर्नल करना शुरू करें। ये मान के चलें कि आपके सामने ईश्वर बैठा है जो कह रहा भाई तू बता तेरी दिक्कत क्या है, वैसे तो मैं जानता हूँ, लेकिन इस रेमेडी के लिए आपको लिखना पड़ेगा, और दिल से लिखिए। आंसू आ रहे हों या कहना जो चाह रहे हैं पूरा लिख डालिए, किसी भी दिन लिख सकते हैं, जर्नल वाइट नोटबुक में लिख सकते हैं, जो रंग की पेन आपको यूज़ करनी हो करिए, राइट इट डाउन, पोर योर हार्ट आउट। अक्सर लोगों को डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी की प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि वो उनके अंदर में इतने इमोशंस ट्रैप्ड हैं, एक समय आता है कि अंदर इतना भर चुका है और जा नहीं सकता, फिर डॉक्टर्स के मेडिकेशन होते हैं। बीमारी को ठीक करने के लिए जड़ से दूर करना ज़रूरी है, लेकिन अगर दवाई इंसान खाता है तो उसको और प्रेस करता जाता है कि चल थोड़ी सी और जगह बना, कुछ और बात दिल में रख ले। जब व्यक्ति किसी को बदल नहीं सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता, तो उससे सीखना पड़ेगा। एक इंसान कंप्लेन कर रहा है कि खाना बहुत तीखा है, खाना बहुत तीखा है, मैं नहीं खा सकता, और खाए जा रहा है क्योंकि उसको भूख लगी है, और वो इंसान झटके से उठे कि कहे मैं भूखा ज़रूर हूँ लेकिन ये मुझे सूट नहीं करता और ये मेरे लिए मेरे टेस्ट के हिसाब से नहीं, मैं कहीं और चला जाऊंगा, तो क्या अब उस खाने की इतनी हिम्मत जो उसको कहे तू बैठ, तुझे तो अभी यहीं खाना पड़ेगा, नहीं ना। तो जब व्यक्ति हालात को ब्लेम करता है उसमें इतनी हिम्मत और क्षमता होनी चाहिए टू वॉक अवे एंड फिक्स द सिचुएशन। अब ये सोच, इसका कॉन्फिडेंस लाने के लिए पहली रेमेडी, स्टार्ट राइटिंग अ जर्नल। एक पेज पे एक नोटबुक लीजिए, अपने लेफ्ट हैंड साइड जो पेज हो उस पे सारी शिकायतें लिखिए, राइट हैंड साइड लिखिए जो उसका सल्यूशन है, एज इफ वो रेमेडी आपको मिल गई। मान लें प्रॉब्लम ये है कि आप इतने सालों से कोशिश कर रहे हैं, आपको जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रही, कॉलीग सपोर्ट नहीं करते,
आपने लेफ्ट हैंड साइड पेज पे लिख दिया। राइट हैंड साइड पेज पे लिखिए एज इफ आपका प्रमोशन मिल गया है, जो भी प्रमोशन चाहिए। मान लीजिए आपको सीईओ बनना था, तो आप लिखिए आई एम ग्रेटफुल फॉर माय प्रमोशन एज अ सीईओ नाउ, फिल इन द ब्लैंक, आपको जो बनना था ये आप लिखिए। कितने दिन लिखें आप? 21 दिन लिख सकते हैं, 45 दिन लिख सकते हैं, क्योंकि एक नई आदत बनने के लिए 45 दिन लगते हैं, पर इंसान को रिजल्ट 21 दिन से दिखने लगते हैं, विजिबल। ये आपकी सोच के तरीके को बदलेगा। सेकंड, आपको जब लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन देगी जो आपको लगता है इसे निकलूं कैसे, किसी से अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट हो रहा है और सुबह से ही आप उठे हैं तो काफ़ी चिड़चिड़े हैं, अननेसेसरी स्ट्रेस हो रही है, एंजाइटी है और मन में डर रहता है, कभी भी नेगेटिव थॉट आए, कभी भी आए, ये कोड 0.927 अपने घर की झाड़ू पे, वैक्यूम क्लीनर पे, डस्टिंग क्लॉथ पे, सब पे लिखिए। ये वो है, इससे आप एनर्जी लेवल की एक झाड़ू मानिए, क्लीनर मानिए, स्वीपर मानिए, जिसे आप जैसे ही लिखते हैं आपके घर से सारी नेगेटिविटी, अनवांटेड सिचुएशंस को निकाल देता है। लिख के रखिए, एनी टाइम यू आर यूजिंग, यू आर स्वीपिंग अवे द नेगेटिव एनर्जीज, ऑब्स्टिकल्स, ब्लॉक्स फ्रॉम योर लाइफ। एंड द बेस्ट पार्ट, अगर आपको अपनी लाइफ में एक डिवाइन ब्लेसिंग चाहिए, कहता है ना इंसान, करता तो मैं सब हूँ, काश कोई हमारा भी मेंटोर होता, काश कोई गुरु होता, काश कोई होता जो कहता कि डोंट वरी आई एम हियर फॉर यू। वो किसी शरीर रूप में गुरु मिले तो वो विरलों को मिलता है, लेकिन वो एक डिवाइन सपोर्ट हर व्यक्ति को चाहिए तो बेस्ट है। अपने लेफ्ट हैंड की कलाई पर आप यहाँ 517 नीले रंग की पेन से या शार्पी से लिख सकते हैं। अब प्लीज़ टैटू नहीं कराना है, खाना व्यक्ति रोज़ खाता है तो लिखना भी रोज़ है। आप छोटा सा लिख दें कलाई पर या लेफ्ट हैंड में कहीं पर, बड़ा सा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अपनी लाइफ में नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में ट्रांसफॉर्म करना है, दीज आर द बेस्ट रेमेडीज़। और मुझे ज़रूर बताएं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप किस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं अपनी लाइफ में, एंड इफ पॉसिबल प्लीज़ शेयर द वीडियो और अपने अनुभव ज़रूर शेयर करें। मिलती हूँ आपसे, टेक केयर।